गांव की सरकार 2022 के चुनाव के बाद क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों की सरगर्मी पूरी तरह से तेज हो चुकी है। हर मुद्दों को लेकर जनप्रतिनिधि अपने कदम से कदम बढ़ाते हुए समस्याओं का निराकरण करने के लिए निकल पड़े हैं। बताते चले कि बलियापुर क्षेत्र में लगभग 2 लाख की आबादी है। इस 2 लाख की आबादी में एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र बलियापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ संसाधनों की कमी है। साथ ही साथ डॉक्टर महज 2 ही हैं, जो सही रूप से जनता को सेवा प्रदान नहीं कर पा रहे। ऐसी कई सारी समस्याओं से अवगत होते हुए जनप्रतिनिधि औचक निरीक्षण के लिए घर से निकल पड़े हैं। ऐसे में पूर्व घोषित कार्यक्रम एवं लोगों से मिल रही शिकायतें तथा बेहतर स्वास्थ्य सेवा की मुहैया कराने के मुद्दे पर बलियापुर प्रखंड उप प्रमुख आशा देवी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलियापुर पहुंची, जहां मरीज जांच केंद्र, दवा वितरण केंद्र, प्रसव गृह, वार्ड कक्ष, स्वच्छता प्रसाधन क्या लाभ है, विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किए। मौके पर चिकित्सा प्रभारी भी नदारद मिले, साथ ही साथ उपलब्ध दवा संबंधी जानकारी ली और उपस्थित मरीजों से भी बात की। मरीजों से मिली जानकारी के मुताबिक दवाएं भी आधी फीस में दी है उपलब्ध मिलती है, बाकी की दवाएं मेडिकल स्टोर से खरीदनी पड़ती है। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो सैनिटरी पैड मेडिकल विभाग की ओर से भेजी गई वह कचरे के ढेर में नजर आई। इस दौरान 2 डॉक्टर तथा अन्य कर्मचारी उपस्थित थे, परंतु प्रभारी उपस्थित नहीं थे। उप प्रमुख ने उपस्थित कर्मचारी को बताया कि लगभग 2 लाख की आबादी इसी स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर है। पत्रकारों को तमाम मामलों की जानकारी देते हुए उप प्रमुख आशा देवी ने कहा कि इतना बड़ा क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति नग्न है। रात्रि सेवा एवं आपातकालीन सेवा पूरी तरह से बंद है, जिससे यहाँ की जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल्द अगर सुधार नहीं होता है तो फिर सिविल सर्जन एवं संबंधित विभाग से वार्ता की जाएगी। हर हाल में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार होना आवश्यक है। मैं तो निरीक्षण में आई हूँ, मैं देख रही हूँ कि यहाँ अभी तो चिकित्सा प्रभारी यहाँ है नहीं, उनसे तो मुलाकात नहीं हुई मेरी, लेकिन जो यहाँ मैनेजर है उनसे बातचीत हुई। इनके बातचीत के दौरान पता चला कि यहाँ डॉक्टर की कमी है, वो जैसे जगह की भी कमी है, जैसे और रूम शायद इनको चाहिए था, उनकी कमी है। और यहाँ 2 MO मुझे मतलब भेंट हुई और एक डेंटल है, बस इतने ही मतलब स्टाफ मुझे यहाँ से मिले। क्या कुछ कमी नज़र आया आपको? जैसे इनका कहना है कि मुझे और डॉक्टर की मांग है, जिस तरह की आबादी है उस अनुपात में यहाँ डॉक्टर नहीं है, और कहीं कहीं जगह भी बहुत कंजेस्टेड है, जैसे बेड की भी यहाँ कमी देखी गई है, और दवाइयाँ जो देखी गई है जिस तरह आम बीमारी की होती है उस तरह ये अवेलेबल है यहाँ पे, तो बहुत सारी समस्याएँ हैं। उसी को मैं आगे तक ले जाऊँगी ताकि इस हॉस्पिटल में जो भी कमी है उनको दूर किया जाए और यहाँ के जितनी भी जनता है उनको जैसे स्वास्थ्य केंद्र से लाभ प्राप्त हो। ऐसा देखा जा रहा है रात्रिकालीन सेवा बंद हो जा रही है, तो उसके कारण विकल्प क्या निकाला जा रहा है? हाँ, एक चीज़ मैंने निरीक्षण के दौरान पाया कि यहाँ रात्रि सुविधाएं नहीं हैं, रात में कोई डॉक्टर यहाँ उपलब्ध नहीं है, और मेरी सरकार से यही मांग है कि रात में एक डॉक्टर मतलब डॉक्टर की सुविधा दी जाए, ताकि रात में कोई घटना जब घट जाती है तो आम पब्लिक कहाँ कहाँ भटके, अगर यहाँ मिलती है वो चीज़ तो जैसे आम जनता है 2 लाख की आबादी है उनको स्वास्थ्य का सुविधा मिल सके। प्रसव गृह का भी आपने निरीक्षण किया है, क्या कुछ उसमें देखने मिला आपको? देखिए, प्रसव गृह का मैंने जो देखा वहाँ, तो वहाँ उनका कहना है कि ये प्रसव तो ठीक तरह से होता है, लेकिन थोड़ी साफ़ सफाई की मुझे कमी नज़र आई है। उस पर यहाँ के जो प्रभारी हैं उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य का मतलब होता है साफ़ सफाई, इन्फेक्शन का डर है। हाँ, स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य का मतलब है कि साफ़ सफाई, नहीं तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है। बगल के रूम में ही देखा गया सैनिटरी पैड इतनी भारी तादाद में पड़ी हुई है, धूल कण से भरी हुई है, आखिर राजस्व का जो क्षति हो रहा है उसके लिए क्या कुछ विकल्प निकलेगा? देखिए, जो भी सरकार भेज रही है यहाँ के उनका सही उपयोग होना चाहिए, उनका लाभ जनता को मिले, ये नहीं कि उसको जो बांटा नहीं गया वो क्षति जो एक तरफ से राज्य की क्षति हुई है, अगर वो ओवर ज़्यादा है तो उसको भी मतलब रिटर्न दिया जाए और जो भी जनता इससे लाभ है उससे लाभान्वित किया जाए। लेकिन कहना है कि हमको पेट्रोल का खर्चा कौन देगा, ट्रक का व्यवस्था कौन करेगा, एक गाड़ी हम मांग करते हैं 4 गाड़ी भेज दिया जा रहा है, तो आखिर इसके लिए दोषी किसे ठहर रहा था? देखिए, यहाँ तक कहा जाए तो इनका जो कहना है कि तो यहाँ सरकार को भी मैं दोषी मानती हूँ, क्योंकि सरकार जो ओवरलोड यहाँ दे देती है तो उसको रिटर्न करने का भी जुगाड़ करे, क्योंकि यहाँ के जो भी स्टाफ है उनका कहना है कि मैं रिटर्निंग के लिए खर्च कौन भरेगा, तो ये भी एक तरफ ये कम